हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। सो आज के वीडियो में मैं आपको डायग्राफ्स के साउंड्स और एक्शंस बताऊंगी। डायग्राफ्स वो होते हैं जो दो लेटर्स को मिलाकर एक साउंड बनता है, उन्हें हम डायग्राफ्स कहते हैं। डायग्राफ्स दो तरह के होते हैं, वॉवल दो तीन तरह के होते हैं इनफैक्ट। वॉवल डायग्राफ जिसमें दो वॉवल्स होते हैं और एक साउंड बनता है, वॉवल एंड कंसोनेंट डायग्राफ जिसमें कि वॉवल और एक कंसोनेंट होता है, और कॉन्सनेंट डायग्राफ जिसमें सिर्फ दो कॉन्सनेंट्स होते हैं। तो चलिए, जॉली फोनिक्स से मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे साउंड्स और एक्शन पर वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, और जॉली फोनिक्स के ऑर्डर में जो सारे साउंड्स और एक्शन हैं उस पर भी वीडियो है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड आज मैं सिर्फ डायग्राफ जो होते हैं उन पर उनके एक्शन और साउंड बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, और दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो अवर फर्स्ट डायग्राफ इज ए, जिसमें ए और आई टुगेदर मेक्स वन साउंड, दैट इज ए, that is long a sound, and the action is you have to cup your hand behind your ears and say a a like this. Now our next sound is o. O and a together makes o sound, and you have to put your hands like this and say o o. Now our next digraph is I and e. I and e together makes the sound I, the long I sound, I. Our action is like this, you are saluting someone, I. जितने भी actions होते हैं digraphs के या किसी भी sound के जॉली फोनिक्स से, वो actually उनकी एक हर letter की, हर sound की एक story होती है, song होता है, उससे related होते हैं। तो जब बच्चा song, story सब पढ़ता है तब वो उस action से relate कर पाता है और वो याद रखता है। तो ये जॉली फोनिक्स का सारा प्रोग्राम उसी पर बेस्ड है। सो एक्शंस कुछ यूनिक से, वियर्ड से, फनी से हैं, बट वो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं और वो हमेशा याद रखते हैं। और नेक्स्ट डायग्राफ इज ई, टू ईज टुगेदर मेक्स द साउंड ई, दैट इज लॉन्ग ई साउंड, एंड द एक्शन इज आपको दोनों हैंड्स रखने हैं अपने हेड पे एंड से ई। नाउ अवर नेक्स्ट साउंड इज अ वॉवल एंड कंसोनेंट डायग्राफ, दैट इज ओ एन आर, O and R together makes the OR sound, and the action is OR. OR actually E and OR साथ में सिखाया जाता है और उसकी स्टोरी भी सेम है। सो एक्शन हम कुछ इस तरह बोलते हैं, E OR, E OR. नेक्स्ट डायग्राफ इज N and G together makes the ng sound. ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है क्योंकि N और G दोनों कॉन्सोनेंट है। And you have to pretend you are lifting some weights and say ng. बच्चे बहुत enjoy करते हैं action को, ng, और story भी कुछ related ही है, ng, ng. Now our next diagraph is also a consonant diagraph. इसमें two O's हैं और इस दो एक ही letter के two तरह के sound हैं, एक है little U and एक है long U. So U and U, 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 and action भी इसका इस तरह से है, U, 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 U. आपको पीछे जाते हुए U कहना है एंड आगे आते हुए U कहना है, U, U. जैसे कि U साउंड होता है cook, look में, and long U साउंड होता है moon, fool. Our next diagraph is that is C and or H, ये भी consonant diagraph है, C and H together makes the ch sound, and the action is like this, ch 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 ch. Now our next diagraph is sh, S and H together makes the sh sound, action is sh sh sh. Our next diagraph is T and H together, ये भी consonant diagraph है, इसके भी दो तरह के sound होते हैं, same diagraph but two sounds, T and H together makes the th and th sound, th th. ये भी कुछ funny सा action है, इसका action भी आपको tongue th में कुछ कम निकालनी है और th में कुछ ज़्यादा निकालनी है, th 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 th.
जैसे कि दिस विद द साउंड द, दैट एंड थ से होता है थिंग थिंक, लाइक दीज वर्ड्स. तो जब बच्चे वर्ड्स भी साथ में पढ़ते हैं तो वो एक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और वो पहचान जाते हैं साउंड. अब जो मैं साउंड्स आपको बता रही हूँ इन्हें एक्चुअली डिप्थोंग्स कहा जाता है. ये एक साउंड, इसमें भी दो लेटर्स होते हैं मगर ये एक साउंड ना बनाकर ग्लाइडिंग साउंड इसे कहते हैं. मतलब एक तरह से ये दो लेटर्स को मिलाकर उनका एक मूविंग साउंड सा बनता है. जैसे कि हमारा फर्स्ट साउंड है क्यू एंड यू. क्यू एंड यू टुगेदर मेक्स द क्वा साउंड. क्वा क्वा एक्शन इज लाइक दिस. क्वा क्वा सिर्फ क्यू का भी साउंड और एक्शन सेम होता है क्वा, बट मोस्ट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज क्यू के बाद यू ही लगता है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स. सो इसका साउंड क्यू और यू का भी सेम होता है क्वा क्वा क्वा. नेक्स्ट साउंड इज आओ. O and U together makes the ow sound and the action is like this. Ow, ow, ow. Now the next sound is O and I, that is oi. Oi, action is like this. Oi, oi. The next sound is U. U and E together makes the U sound. U and action is like this. U, you have to point off your finger. U, U. Now our next sound is E and R. E and R together makes the R sound. And the action is like this. R, 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 E and R. Then our last sound, last digraph is R. That is A and R together makes the R sound. And you have to open your mouth widely and say R, R. ओके सो ये थे सारे डायग्राफ्स और डिप्थोंग्स के साउंड्स और एक्शन. ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे सिंगल इंडिविजुअल साउंड सीख जाते हैं बट उन्हें अगर डायग्राफ्स के साउंड नहीं पता होते तो काफ़ी सारी उनकी रीडिंग छूट जाती है, रीड नहीं कर पाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिखाना बच्चों को और बहुत ईजीली सीख जाते हैं बच्चे. अगर आप उनको स्टोरी सॉन्ग एक्शंस के साथ सिखाएं तो बहुत जल्दी वो रीडिंग सीख जाते हैं. अगर आपको इनकी स्टोरीज़ और साउंड्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी. अगर आपको ब्लेंडिंग्स चाहिए, इनके वर्ड्स ब्लेंडिंग कैसे करवानी है बच्चों को, और कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ वर्कशीट्स के बारे में आपको जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगी. मैंने कुछ ब्लेंडिंग ग्रुप वन और ग्रुप टू पे बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. मेरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जॉलीफोनिक्स के साउंड्स एंड एक्शन, जॉलीफोनिक्स के ऑर्डर के साउंड्स एंड एक्शन, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं. और भी मैंने बहुत से जॉलीफोनिक्स पे वीडियो बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल पर चेक करें. और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.